तो आप तक आपने देखा होगा धीरज भाई अपने घर को गांव को किस तरह से जाता है, गाड़ी से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, ट्रक से जाता है, पर आज आज मैं ट्रैवल से जाऊंगा। क्योंकि क्योंकि भाई बहुत बीमार है यार, आप बहुत दिनों से बीमार हो, इसलिए अच्छे से बुकिंग करके जा रहा हूँ। डायरेक्ट मिलते हैं अपन अभी धुलिया में। तो जस्ट रीच टू द धुले माई होम टाउन प्लेस। एंड अभी अभी तुषार भाई को कॉल किया है। तुषार भाई अभी आते होंगे। ये जो गैरेज दिख रहा है तुषार भाई का ही गैरेज है, अपने तुषार भाई का गैरेज। अभी देखो वो आएंगे, इतने दूर आ रहे भाई जस्ट दोस्ती के खातिर। ऐसा कोई अब करता है यार इतना? मतलब मैं इधर से जाने भी वाला था पैदल पैदल, पर वो बोला भाई तू आने के बाद बस मुझे कॉल कर, मैं कुछ भी करूंगा तेरे लिए। अभी वो आ रहा। लागले तशी पण गाडी चालवत असतील काय रे बाळकडे। नाही व कशाले परस्पर जातो आता नाही रे, ये रे तू जाऊन मी येतो बरोबर आता। हो चालेल चालेल लक्षात। हो हो ही बॅग आणि ही बॅग आणली होती। ह्या बॅग मध्ये, अरे 2 मिनिटं थांबणार, ह्या बॅग मध्ये लॅपटॉप होता आणि ह्या बॅग मध्ये हे सर्व काही होत आणि हे सर्व काही आता आमच्या आत्या साहेब धुवायला आणि आत्या आमचं सगळं काही धुवून देणार आहे, भरून देणार। आणि आत्या आणि हे सगळं करण्यासाठी मी आत्याकडे खास येतो, पहिला स्टॉप घेतो, माझ्या आजी पप्पांना भेटतो मग आईकडे जातो। बरोबर सांगतो भाई माझ्या आत्यानी एवढे कपडे धुतले, हे केलं ते केलं। बाय आत्या। बाय बाय। धाब्यावर जाते टाकायला कपड्याची स्टाईल बघायची माझी। याची घाण पाणी काढून टाकते सगळं, भरपूर पाणी। कपडे कधीचे धुतले नव्हते, कपड्यामधून किती घाण निघाली बघ ना, ते बघ हे दाखव ना दुनियादारी मी पाहिली ना। कपडे धोने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अभी आपको कुछ बातें याद करनी होगी। पिछले के बहुत सारे पिछले वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया था, देख लो। नहीं कर रहा है क्या कर रहा है तू? देखो पैसे नहीं होंगे तो बोल मेरे को, नहीं तो इतने बाल बढ़ा दिए तूने, क्या करेगा? वो जो दुकान पे जाएगा तू तो अलग कैसी लगा लगा के परेशान करूँ गे रे। ये क्या हुआ गंदा पटक जीत तो है रे दादा, तुला कहीं ये करे अरे ते केस कापणार रे, किती बिल्ला सारखा दिसतोय तू, तुला काही वाटत का केस वगैरे तर कापते पहिले? तो सभी बोल रहे कि बाल काटो बाल काटो, तो फिर हम निकल पड़े बाल काटने के लिए। अलर्ट भाई लोग, तो फाइनली कैसे वैसे जैसे तैसे ऐसे हम पहुंच चुके हैं हमारे कटिंग के शॉप में। हमारा कटिंग का दुकान देख सकते हैं, ये उड्डन पुल ऊपर से जाता है और नीचे ये शिवबा मेंस पार्लर है। अभी बहुत से बंदे, बहुत से मेरे भाई, बहुत से आजी हमारे सब बोल रहे थे भाई कटिंग कर कटिंग कर कटिंग कर, तो फिर अभी हम कटिंग करेंगे। लाते कटिंग की टीम। ओके, याद आया कुछ? वही बात, अगर आप शहर से गांव को आ रहे हो और आपकी फैमिली वाले अगर आपको ऐसा देख ले तो फिर चिल्लाएंगे ना भाई। और हम इसी की वजह से कटिंग करने के लिए जा रहे हैं, जाके दिखाता हूँ। तो फिर फाइनली कैसे वैसे जैसे तैसे आ चुके हैं हम अपने कटिंग के दुकान पर, उड्डन पुल के ठीक नीचे पर। ये क्या है भाई यार,
ये ऐसा कोई रहता क्या यार शुभ, हमें पार्लर तो अपना बंद है यार, ये तो इधर इधर ताला लगाया है यार, मेरे को पता भी नहीं ये दुकान इधर है या नहीं अभी। सैड 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 जिंदगी, जिंदगी कुछ ऐसे मजे ले रही है। अभी तुषार भाई इतने दूर हमें फिर से लेने के लिए आ गए और उनकी गाड़ी क्या रे भाई, तो गाड़ी पंचर करके आया था क्या, पहले से ही पंचर दी गया क्या, ये तो साली का गाड़ी लौटना, एक मिनट मैं लौटाओ लगे ना था। चलो गाड़ी लौटते हम, अभी मिलते हैं आपको। तो लो जी भाई, एक बार फिर से हमारे तुषार भाई के गाड़ी का किस्सा हो गया है। अभी ठीक जैन कॉलेज के सामने फिर से बंद हो गई है। अभी मुझे निकलने का था सागरी के लिए और ये अभी बीच में ऐसे गाड़ी बंद करे हुए खड़ा है। क्या बोलने जाएंगे भाई आप मेरे को? ऊपर सो हमारे जयेश भाई ऐसे स्माइल दे रहे हैं जैसे कि उनको क्या मैं क्या पूरा फेमस करने वाला हूँ। इधर ये सनी भाई तो देखेंगे नहीं, तो फिर भाई मैं क्या बोल रहा, अभी इधर आए तुषार बाबा अपने, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप भी रेगुलर व्यूअर हो, तो फिर आपको मेरे कौन से एक हाथ वीडियो के ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपका जो अभी अभी वीडियो आया था पंढरपुर का, वो वीडियो थोड़ा आपने जो उसमें रियलिटी दिखाई है पंढरपुर की, जो यात्री जब रात में सोते हैं खाते हैं, उनके जब खाने के जब वो हाल होते हैं जब सोते हैं, उस चीज़ पे थोड़ा मैंने गौर किया। अगर भविष्य में कुछ बन गया लाइफ में तो उस चीज़ के लिए मैं गाड़ी गई ना। दोस्तों फिर जस्ट रीच टू दी साकरी बस स्टॉप, यहाँ से मैं अपने अभी घर जाऊंगा। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ।